और एक बड़ी खबर है, कोरोना की तीसरी लहर से निपटने की तैयारी शुरू कर दी गई है। आयुष मंत्रालय ने बच्चों के लिए जारी किए हैं खास दिशा निर्देश। अब आपको पूरे परिवार के लिए एक जरूरी विश्लेषण। कोरोना की दूसरी लहर का असर कम होते ही देश भर के स्कूलों में पढ़े ताले खुलने लगे हैं या फिर स्कूलों को खोलने की तैयारी शुरू हो गई है, लेकिन क्या बच्चों को इस समय स्कूल भेजना सुरक्षित है, खासकर तब जब अभी बच्चों की कोरोना वैक्सीन नहीं आई है। और बच्चों के स्कूलों को खोलने का ये सवाल इसीलिए और गंभीर हो गया है क्योंकि स्कूल खोलने में तेजी दिखाने वाले 3 राज्य हिमाचल, पंजाब और हरियाणा में स्कूली बच्चों में कोरोना पॉजिटिव केसेस सामने आने लगे हैं। कोविड काल में बच्चों का स्कूल खोल दिया जाए या नहीं, लाख टके का ये सवाल हिमाचल प्रदेश, पंजाब और हरियाणा के कोरोना आंकड़ों से फिर चर्चा में आ गया है। हिमाचल प्रदेश में स्कूल गए 62 बच्चे कोरोना पॉजिटिव हैं, जिसमें से 10 बच्चों की कोरोना रिपोर्ट बुधवार को आई है। स्कूल से लिए गए सैंपल्स में 27 बच्चे पंजाब में बीते 3 दिनों में कोरोना पॉजिटिव आए हैं। इन 27 बच्चों में से 21 लुधियाना के 2 स्कूलों के बच्चे हैं। हरियाणा में भी स्कूली बच्चों के कोरोना पॉजिटिव होने का आंकड़ा 6 है। ये सभी बच्चे फतेहाबाद के हैं, जिनकी रिपोर्ट पिछले हफ्ते आई है। लेकिन देश के बाकी राज्यों में स्कूल खुले उससे पहले हिमाचल प्रदेश ने 22 अगस्त तक स्कूलों में फिर से ताला लटका दिया। पंजाब और हरियाणा ने स्कूलों को दोबारा बंद करने को लेकर कोई फैसला तो नहीं किया, लेकिन कम से कम पंजाब ने सरकारी स्कूलों में बच्चों की सैंपलिंग को तेज करने का फैसला किया है।